आज की वीडियो हम कवर करेंगे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साउथ बिहार के जो वेबसाइट से डाउनलोड करना है वो आज प्रोसेस हम कंप्लीट रिव्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम देख रहे हैं। वेल हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आप अपना बिल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल जिसे बोलते हैं वो कैसे डाउनलोड करते हैं। तो साउथ बिहार का ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो है कंपनी लिमिटेड है वो उस पर के साइट पर जाना है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार है और राइट साइड में मैं आपको लेके जाऊंगा, वहाँ पे आपको दिखाने का क्लियर मेंशन है यहाँ पे है कि लॉगिन करने का प्रोसेस बता दिया गया था, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बता दिया था ऑलरेडी मैंने और उसके बाद में डिस्कस भी किया था। आज हम फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सीए नंबर होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी जो नंबर होता है कंज्यूमर नंबर जिसे बोलते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे मैं अपना आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने डाउनलोड किया है। तो बहुत आसान तरीके से आप एप्लीकेशन के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, बाकायदा आप ऑनलाइन कैसे से डाउनलोड कर सकते हो वो भी हम आपको प्रोसेस इसमें बता रहे हैं। तो सीधे आप वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन करके आप जैसे ही मूव करेंगे तो आपको ये एक पेज आएगा यहाँ पे डिटेलिंग पेज है। ये ऑलरेडी मैंने एक एक करके डिस्कस कर रखा है एक वीडियो में, अगर नहीं देखा तो पार्ट थ्री में आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये बिल वाले सेक्शन में जाना है, व्यू एंड पे बिल या प्रिंट रिसिप्ट। प्रिंट रिसिप्ट में आपको रिचार्ज के है चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी आप जो रिचार्ज करते हैं कितने अभी तक रिचार्ज किया है, यानी जब से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ रहा है तब से आपने कितने तक रखे। और बिल पेमेंट व्यू एंड पे बिल पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सा प्रोसेस इनका लेट है वेबसाइट का, ठीक है। और इसमें आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे कि इस महीने का बिल कितना आया, यानी जो करंट जो मंथ चल रहा है, अगर बिल होगा तो बिल दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो आने में टाइम लगेगा। होता है कि सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, मेरा हर 15 से 16 तारीख के बीच में ही बिल जनरेट होता है, तो उस वजह से मेरा हर 16 मार्च को, फिर मेरा फरवरी का ऑलरेडी आ चुका है, मार्च में आपको 16 मार्च को मार्च का जितना भी अभी तक इन बिटवीन था वो वाला बिल आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का, जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा ये ऐसा यू एंड पे बिल वाला। या साइड में यहाँ नाम है, यहाँ पे सीए नंबर है जो हमारा कंज्यूमर नंबर है, उसके साइड में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं फरवरी मंथ का, करंट मंथ फरवरी, और यहाँ सबसे लास्ट में व्यू बिल है उस पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे थोड़ी क्लिक करके रखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसका पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगा। तो इस सिंपल सा प्रोसेस है जो आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं और आपको कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज़रूरत पड़ती है, देखिए ये देखिए जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये आपके डाउनलोड पेज में माई फाइल जो सेक्शन होता है आपका मोबाइल में उसमें डाउनलोड सेक्शन में ये आपको डाउनलोड हो जाएगा और ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, कल की वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं बिल में, क्या क्या चीज़ आप समझ सकते हैं वो भी हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाए एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका एक अलग है बिहार पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उनका एक प्लेलिस्ट है उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप जरूर देख सकते हैं। और भी लाइफस्टाइल से जुड़ी वो भी वीडियो आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे, हम आप ही लोग के लिए बनाते हैं।